गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? घर में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं या सिर्फ खेल होता है? चलिए आज हम लोग आपकी हिंदी फर्स्ट पेपर की साधना बुक से लेसन नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। तो अपनी बुक ओपन करिए आप सब लोग, और फर्स्ट पोयम है आपकी लेसन नंबर 1 अजब तजब। ये एक कविता है और इस कविता को पढ़ के आप सबको भी बहुत अच्छा लगेगा। आपने कभी सोचा है कि एक दिन आप रात में सोएं और जब सुबह उठें तो ये सारी दुनिया उल्टी दिखाई दे आपको? अगर कभी ऐसा हो तो कैसा लगेगा? आइए देखते हैं एक बच्चा जो ऐसा देखता है उसको क्या लगता है। एक सुबह जब उठा मैं सोकर, अजब गजब था सारा नज़ारा। एक छोटा बच्चा है, वो कह रहा है कि एक सुबह यानी कि जब रात में वो सोया और जब अगले दिन सुबह उठता है तो उसको सारी नज़ारे जो हैं, सारी चीज़ें हैं, वो अजब गजब दिखती हैं। कुछ भी ना था पहले जैसा, उल्टा पुल्टा था जग सारा। उसको कुछ भी पहले जैसी चीज़ें नहीं दिख रही हैं और वो कह रहा है कि सारी चीज़ें, दुनिया की सारी चीज़ें सब उल्टी पुल्टी हो गई थी। सूरज का रंग हुआ जामुनी। सूरज कैसा हो गया? जामुनी रंग का, जामुन के रंग का, यानी कि बैंगनी रंग का हो गया। और वैसे कैसा होता है? हमको पीला दिखाई देता है। पेड़ हुए नारंगी सारे। पेड़ कैसे होते हैं? हरे होते हैं ना। लेकिन उस बच्चे ने क्या कहा, हम एक दिन जब सो के उठे तो हमको सारे पेड़ कैसे दिखाई दिए? नारंगी। पक्षी तैर रहे पानी में, मछली उड़ती पंख पसारे। और क्या देखता है कि जो पक्षी हैं, चिड़िया, ये सब क्या हो रही है? ये पानी में तैर रही हैं। और पानी में रहने वाली मछली क्या है? आसमान में पक्षियों के जैसे उड़ रही है। सोचिए कभी अगर ऐसा हो तो क्या होगा। आगे देखिए, खेत में उगते लड्डू पेड़े। आपने खेत में अगर लड्डू पेड़ उगेंगे और पेड़ पर लटकी मीठी टॉफ़ी। पेड़ पे फल की जगह क्या लटक रही है? टॉफ़ी लटक रही है, चॉकलेट लटक रही है, तो कितने खुश हो जाएंगे ना आप सब। मीठा दूध बहे झरने में और निकलती नल से कॉफ़ी। और दूध जो है वो कहाँ बह रहा है? झरने से। झरने में पानी की जगह दूध बहने लग रहा है। और हम जब घर में अपना नल खोल रहे हैं तो नल से पानी की जगह क्या आ रहा है? कॉफ़ी निकल के आ रही है। आइसक्रीम के बने पहाड़ और खिलौनों के अंबार। सोचिए कभी अगर ऐसा हो कि आप कहीं बाहर जाएं और आपको आइसक्रीम के बहुत सारे पहाड़ दिखाई दें तो कितना मज़ा आएगा ना आइसक्रीम खाने में। उसी तरह से खिलौनों के अंबार लगे हों, जगह जगह खिलौनों के ढेर बने हों। जो मन चाहे छक्कर खाओ, खेलो कूदो नाचो गाओ। जितना मन चाहे आपका दिल भर के खाइए, जितना मन चाहे खाइए, खूब नाचिए के खुद कूदिए, खेलिए और गाइए। कभी अगर ऐसा हो तो कितना अच्छा होगा ना। तो ये छोटी सी कविता थी आपकी। आप सब इस कविता को याद करेंगे और हमको नेक्स्ट क्लास में सुनाएंगे। साथ ही साथ आप अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज पे, पेज नंबर 6 पे जो फिगर दिया हुआ है ना, ये पूरा जिसमें देखिए बच्चे दिख रहे हैं, उनके हाथ में क्या है? पेड़ों से वो लोग लड्डू पेड़ तोड़ रहे हैं, पेड़ में टॉफ़ी चॉकलेट लटक रही है, दूध के झरने बह रहे हैं, आइसक्रीम के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और जगह जगह खिलौनों के ढेर लगे हुए हैं। तो ये पूरा चित्र आप अपनी कॉपी में बहुत ही सुंदर से बनाएंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। लेकिन इस कविता को याद भी करना है आपको, ठीक है? ओके, थैंक यू।